हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं टैक्स साइज के बारे में। जैसे कि हम टैक्स साइज सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रेडमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्प्ले, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है टैक्स साइज, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टैक्स साइज़ को इनक्रीज़ करना है, यानी कि बढ़ा देना है। डबल एक्सेल में आ जाएगा ये, आ गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो टैक्स साइज़ है वो कितना लार्ज हो जाएगा, ये देखिए, ये देखिए टैक्स साइज़ कितना लार्ज हो गया, इसी को बोलते हैं टैक्स साइज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसको बैक करने के लिए मतलब पहले जैसा करने के लिए, तो आप इस पर ऐसे कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं, और बहुत ही कम करना है तो एक्सेल भी कर सकते हैं, छोटा स्मॉल इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले जैसा ही कर लेता हूँ, अप्लाई हो जाएगा ये। अप्लाई होने के बाद आपका ये पहले जैसा ही हो जाएगा, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक और तरीका है, सेटिंग पर जाएंगे और सर्च वाले ऑप्शन पर जाएंगे और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। क्या सर्च करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं टैक्स साइज़, तो यहाँ पर शो हो जाएगा टैक्स साइज़, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए पीसी से रिलेटेड या फिर फोन से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।